मुझे कहने दीजिए, मालिक ने कैसे कैसों का फ्यूचर बना दिया, मालिक ने कैसे कैसों का फ्यूचर बना दिया, सर्कस के जोकरों को मिनिस्टर बना दिया, पतली सी काली बीवी गले मेरे डालकर बाकी सभी हसीनों को सिस्टर बना दिया। ये हंसने और मुस्कुराने का मकाम है, ये थोड़े से लोग हंसे। दरअसल मामला ये है कि ये जो लोग नहीं हंसे, ये सोचे कि अभी मुनासिब वक्त नहीं है। होता ये है कि जब हम होश संभालते हैं, 10-15 साल के होते हैं और अपने बड़े लोगों को देखते हैं, तो ये सोचते हैं कि अपना टाइम आएगा। फिर हम जब 20-25-26 साल के होते हैं तो अपने से और बड़े लोगों को देखते हैं, तो ये सोचते हैं कि जब हमारी औलादें बड़ी होंगी तो हमारा वक्त आएगा। हम उस उम्र को पहुंच जाते हैं तब भी हमारा वक्त नहीं आता, यहाँ तक कि हम बूढ़े होते हैं और एक वक्त वो आता है जब सांस उखड़ती है, नब्ज डूबती है और डॉक्टर आके कहता है कि इनका वक्त आ चुका है। वो वक्त आने से पहले हंसिए मुस्कुराइए, क्योंकि अच्छी सेहत के लिए जिस तरीके से अच्छी गजा की जरूरत होती है उसे के लिए उसी तरह हंसने और मुस्कुराने से अच्छी सेहत और जिंदगी मिलती है। आइए मैं जनाब हलचल टांडवी को इन चार मिसरों के साथ आवाज देता हूँ कि प्रोफेसर ही जब आते हो हफ्तावार कॉलेज में तो ऊंचा क्यों ना हो तालीम का मेयार कॉलेज में। मुझे डर है कि हम दोनों कहीं समझी न बन जाएं, तेरी गुलनार कॉलेज में मेरा गुलजार कॉलेज में। आइए जोरदार तालियों से इस्तकबाल करते हैं, माइक पे तशरीफ लाते हैं जनाब हलचल टांडवी। कि मजनुओं के शहर में जब आ गए हलचल मियां, मजनुओं के शहर में जब आ गए हलचल मियां, शेर लैला का पढ़ा तो छा गए हलचल मियां। सुन रहा था ये मोहल्ला इश्क में बदनाम है, एक जोड़ा घूमते ही पा गए हलचल में। अरे वाह। और लिबास छोटा है तन पर अजाब लगती हो, जो दिल जले भी है उनको शराब लगती हो, और तुम्हारे गाल के गड्ढे भरे हैं मेकअप से, कसम खुदा की तू बासी कबाब लगती। अरे वाह, कसम खुदा। वाह वाह वाह। चार मिसरे और देखिएगा दोस्तों। ये केसू अगर तुम सवारे न होते, ये केसू अगर तुम सवारे न होते, ये केसू अगर तुम सवारे न होते, यहाँ सारे मजनू पधारे। क्या कहना, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे हलचल भाई। अगर तुम ये केसू अगर तुम होते, यहाँ सारे मजनू पधारे न होते, अगर बिल्लुरानी तू पर्दे में होती, अगर बिल्लुरानी तू पर्दे में होती, खुदा की कसम फिर इशारे न होते, ये गेसू अगर। दोस्तों मैं थोड़ा जायका बदल बदल के आपको सुनाऊंगा, चार मिसरे और देखिएगा। हम पे इल्जाम लगाए न जमाने वाले, अपने दामन को रफू करते चले आए हैं। हम पे इल्जाम लगाए न जमाने वाले, अपने दामन को रफू करते चले आए हैं। और तुम बताओ ना सफाई का तरीका हमको, तुम बताओ ना सफाई का तरीका हमको, हम तो सदियों से वजू करते चले आए हैं। हम तो सदियों से वजू करते चले आए हैं। और चार मिसरे और देखिएगा दोस्तों। वो बड़े ही गुमान में रहता, अपने ऊंचे मकान में रहता, और जब भी पढ़ता नमाज मस्जिद में उसका चप्पल ही ध्यान में रहता, उसका चप्पल ही ध्यान में रहता। चार मिसरे और देखिएगा दोस्तों।
कि मुद्दतों बाद कहीं ऐसा कमीना देखा, मुद्दतों बाद कहीं ऐसा कमीना देखा, मुद्दतों बाद कहीं ऐसा कमीना देखा, मार कर भाई का हक जिसने मदीना देखा, मार कर भाई का हक जिसने मदीना देखा, मुद्दतों बाद कहीं ऐसा कमीना देखा, मार कर भाई का हक जिसने मदीना देखा। और मैं समझता था बड़े नेक है कल्लन साहेब, मैं समझता था बड़े नेक है कल्लन साहेब, दंग तो तब हुआ जब उनका करीना देखा, मुद्दतों बाद कहीं ऐसा कमीना देखा। और चार मिसरे दोस्तों आपके बच्चों को डराने के काम आएंगे, सुनिएगा। बैठ जाइए भाई। पढ़ेंगे बच्चे अगर तुम्हारे, तभी तो दुनिया में नाम होगा। पढ़ेंगे बच्चे अगर तुम्हारे, तभी तो दुनिया में नाम होगा। कोई तो अब्दुल हमीद होगा, कोई तो अब्दुल कलाम होगा। पढ़ेंगे बच्चे अगर तुम्हारे, तभी तो दुनिया में नाम होगा। और नहीं पढ़ेंगे तो इतना तय है, हराम खोरी में नाम होगा। नहीं पढ़ेंगे तो इतना तय है, हराम खोरी में नाम होगा। किसी का फेंकू भी नाम होगा, और किसी का शराम होगा।